सुप्रभात बच्चों, इस विद्या में आपका स्वागत है। मीठी वाणी बोलना काम नहीं आसान, जिसको आती ये कला होता वही सुजान। इस मीठी सी अनुचिंता को लेकर आज हम आपके गद्य विभाग से पहला विषय का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मधुर भाषण। इस मधुर भाषण विषय के लेखक हैं गुलाब राय जी। गुलाब राय जी बाबू गुलाब राय के नाम से भी परिचित हैं। उनका जन्म 17 जनवरी 1888 को इटावा में हुआ था। उनके माताजी थे गोमती देवी और उनके पिताजी थे बाबू भवानी प्रसाद। बचपन से ही उनके माता और पिताजी के धार्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति का उन पर बड़ा गहरा विशेष प्रभाव पड़ा है। वे दर्शन शास्त्र में एमए पास की और उन्होंने दशम शास्त्र में कई पुस्तकें भी लिखी हैं। बाद में उनके रुचि साहित्य में आया। उन्होंने सेंट जॉन्स कॉलेज में अध्यापक भी थे। उन्होंने एलएलबी भी पास की है। साहित्य संदेश का सफल संपादन भी गुलाब राय जी ने किया है। साहित्य सेवाओं का उचित मूल्यांकन करते हुए आगरा विश्वविद्यालय उन्हें डीलिट उपाधि से भी सम्मानित किया है। आपकी दार्शनिक रचनाएं हैं मन की बातें, कर्तव्य शास्त्र, पाश्चात्य दर्शन का इतिहास, बौद्ध धर्म। उनके आलोचनात्मक रचनाएं हैं नवरस, प्रसाद जी की कला, सिद्धांत और अध्ययन, हिंदी नाट्य विमर्श। वैसे ही उनके द्वारा रचित निबंध ढलुआ क्लब, प्रबंध प्रभाकर, जीवन पथ मेरी असफलताएं, फिर निराश क्यों, जैसे रचनाएं भी उनके द्वारा किए गए हैं। ये जो विषय है मधुर भाषण, इस विषय को हम क्यों पढ़ेंगे, अर्थात इस विषय का विचार बोध क्या है। जैसे आप जानते हैं कि मधुर भाषण अर्थात मीठी बातें, भाषा क्या है। भाषा संस्कृत के भाषा धातु से बना है, जिसका अर्थ है कहना या बोलना। जिसे बोला जाए वही तो भाषा है। भाषा वह साधन जिससे मनुष्य अपना विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है, अर्थात व्यक्त करता है, और दूसरों के विचार और भावों को भी वह ग्रहण कर सकता है। यह भाषा मनुष्य की बड़ी संपत्ति है, ईश्वर की अनुपम देन है। कबीरदास कहते हैं, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप हुई शीतल होए। इससे आपको पता लगता होगा कि मधुर भाषण, मीठी बातें या फिर मीठी भाषाएं की मोल क्या है। इस मधुर भाषण से या मधुर व्यवहार शिष्टाचार औरों पे कैसा प्रभाव डालता है, या फिर हमारे ऊपर ये क्या प्रभाव डालता है, आज हम पढ़ेंगे। जीवन में एक व्यक्ति की पहचान उसकी बोली, उसकी भाषा से होती है। तो बच्चों, हमारे जो विषय है गुलाब राय के द्वारा जो विषय लिखा गया है मधुर भाषण, उससे हम जीवन का कौन सी मूल्यबोध सीखेंगे, आज पढ़ेंगे। पहले आप अपना किताब निकालिए और मेरे साथ इसको अध्ययन कीजिए। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं, किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। यह सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तो बच्चों, आप दोबारा इस जो पैराग्राफ मैंने आपके सामने रखा है उसे दोबारा पढ़ने की कोशिश करें।
दोबारा पढ़ने पर ही आप इसमें जो कष्ट शब्द है उसको जान पाएंगे। जिन शब्दों का आप पहली बार पढ़ रहे हैं, जिनका अर्थ आपको मालूम नहीं, पहले उस शब्दों का अर्थ आप मालूम कर लीजिए, ताकि आपको यह समझने में आसानी हो। भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है। आप जैसे कि जानते हैं, भाषा, हमने पढ़ा कि भाषा किसे कहते हैं, तो इस भाषा पर मनुष्य का विशेष अधिकार है, क्योंकि आप जानते हैं दूसरे जानवर, जो धरती पर जो दूसरे जानवर है उनके पास भाषा नहीं है, अर्थात भाषा पर सिर्फ मनुष्य का ही विशेष अधिकार हो सका है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। उन्नति का अर्थ क्या है? उन्नत का अर्थ है उठा हुआ, मतलब आगे बढ़ा हुआ। ये उन्नत शब्द का अर्थ है आगे बढ़ा हुआ। तो उन्नति का अर्थ क्या हो गया? ऊंचाई अर्थात बढ़ोती। तो मनुष्य ये भाषा के कारण ही, इस भाषा के कारण ही मनुष्य आज जिस स्थिति पर है, जो स्थान पर है, वह केवल किसके कारण हुआ है? भाषा के कारण। मनुष्य भाषा के कारण ही आगे बढ़ पाया है, इतनी ऊंचाई पर आ सका है। बच्चों, आपको आपके परीक्षा में उन्नति शब्द का अर्थ आएगा। उन्नति शब्द को लेके आपको एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए भी प्रश्न आएंगे। तो उन्नति को लेके हम क्या वाक्य बना सकते हैं? जैसे कि मनुष्य की उन्नति लड़ाई ही के जरिए होती है। और फिर हम दूसरे वाक्य भी बोल सकते हैं, भारत उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। तो इस दोनों वाक्य से आप समझ चुके होंगे उन्नति का अर्थ क्या है। तो जैसे हमने पढ़ा कि भारत उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वैसे ही मनुष्य जो जब सृष्टि से लेके अब तक जो मनुष्य की स्थिति है, वो किसके कारण हुआ है? भाषा के कारण ही हुआ है। जानवर हजारों वर्ष से जहाँ के तहाँ बने हुए हैं। यहाँ पर एक शब्द है, जहाँ के तहाँ, मतलब जहाँ के तहाँ का मतलब हो क्या होता है? जहाँ पर हम थे जैसे थे वैसे ही है। तो जानवर जो मनुष्य के साथ दूसरे जानवरों की भी सृष्टि हुई है, लेकिन वो दूसरे जानवर हजारों हजारों साल से जहाँ पर थे, जिस हालत में थे, आज भी वो लोग वही हालत में है। तो इस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? जहाँ के तहाँ। ये शब्द आपको आपके लिए वाक्य बनाने के लिए भी आ सकते हैं। तो आप इसको लेके एक सार्थक वाक्य बनाने की अभ्यास भी कीजिए। तो जानवर भाषा के कारण ही मनुष्य आगे बढ़ आया, लेकिन उसी के साथ ही सृष्टि हुए दूसरे जानवर जिस स्थिति में थे, आज भी वही स्थिति में है। किंतु मनुष्य उत्तरोत्तर उन्नति करता चला आया है। उत्तरोत्तर मतलब आगे आगे, उत्तर के उत्तर मतलब आगे आगे बढ़ता जा रहा है। उन्नति का अर्थ आपने देखा कि आगे बढ़ना, उत्तरोत्तर मतलब ऊपर ही ऊपर, उसके ऊपर जो आगे की जो पीढ़ी है उसके ऊपर ही वो उन्नति करता चला आया है। अन्य जानवरों की अपेक्षा मनुष्य भौतिक बल में न्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। तो भौतिक, यहाँ पर एक शब्द है भौतिक। आपने भूत शब्द का शब्द पढ़ा होगा, भूत शब्द का अर्थ भी आप जानते हैं। तो भूत, आप जो प्रत्यय विषय पढ़ेंगे तो उसमें एक प्रत्यय है इक प्रत्यय। इस भूत शब्द के साथ जब हम इक प्रत्यय को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है? भौतिक। तो ये भौतिक बल का अर्थ क्या होता है? शारीरिक ताकत। भौतिक, भूत मतलब शरीर, तो भौतिक अर्थात शारीरिक। तो भौतिक बल में मतलब शारीरिक ताकत से। तो यहाँ पर आपने देखा कि इक प्रत्यय का कैसे इस्तेमाल हुआ है। तो अन्य जानवर की अपेक्षा, अन्य जानवर की तुलना में मनुष्य क्या है? अपनी शारीरिक ताकत से न्यून। न्यून का अर्थ क्या है? मतलब कम। तो जब हम देखते हैं दूसरे बड़े बड़े जानवर, आप देखते हैं हाथी देखो, फिर आपने शेर देख लिया, तो उनके शारीरिक ताकत के सामने मनुष्य का शारीरिक ताकत कितना है? बहुत ही कम है, जिसे लेखक ने न्यून लिखा है। तो
शारीरिक ताकत से मनुष्य दूसरे जानवर से कम होते हुए भी मनुष्य के पास एक ऐसा बल है। एक तो आपके भाषा हो गया, इस भाषा के कारण ही मनुष्य के पास क्या आ गया, बुद्धि। तो अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे, अर्थात बुद्धि और भाषा का प्रयोग करके, भाषा की प्रयोग करके मनुष्य आगे बढ़ता चला जा रहा है और ये दूसरे जानवरों से भी वो सबल बन गया है। सबल मतलब अधिक शक्तिशाली, मतलब शारीरिक ताकत से हो सकता है मनुष्य ये बड़े बड़े जानवरों से कम है, लेकिन मानसिक ताकत जो हम बोलते हैं, बुद्धि और भाषा के कारण से वो जो बड़े बड़े जानवर है उनको अपने काबू में रख सकता है। तो हम क्या कह सकते हैं, अगर मनुष्य इतने बड़े बड़े जानवरों को अपने काबू में रख पाता है तो हम क्या कहेंगे, कौन ज्यादा सबल है, जानवर या मनुष्य? मनुष्य ही ज्यादा सबल है। तो आपको प्रश्न आएंगे, मनुष्य किसके सहारे अधिक सबल हो गया है? मनुष्य अपनी बुद्धि और भाषा के सहारे अधिक सबल हो गया है। मनुष्य कौन सी बल में अन्य जानवरों से न्यून है? मनुष्य भौतिक बल में दूसरे जानवरों से न्यून है। उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। मनुष्य पंच महाभूतों को, मनुष्य के लिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आया है, वह। तो वह के साथ जब हम ने का प्रयोग करते हैं तो क्या बन जाता है, उसने। तो उसने पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। पंच महाभूत आप लोग जानते हैं, पंच महाभूत कहने से क्या, कौन कौन से चीजों को हम पंच महाभूत कहते हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि। इन पांचों चीजों को हम क्या बोलते हैं, पंच महाभूत। तो मनुष्य ने क्या किया है, इन पंच महा जानवरों के साथ साथ इस पंच महाभूतों को भी अपने वश में कर लिया है। ये सब भाषा द्वारा प्राप्त सहकारिता के बल पर ही हो सका है, प्राप्त अथवा पाना। तो मनुष्य सहकारिता के बल पर, तो सहकारिता, सहकारिता का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर बच्चों देखो, सहकारी के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जब हम प्रत्यय विषय पढ़ेंगे तब तो आप जानोगे कि ता प्रत्यय, जब सहकारी शब्द के साथ ता प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो कौन सा शब्द बन गया, सहकारिता। सहकारी का अर्थ है सबसे मिलकर काम करना। तो भाषा द्वारा, तो भाषा क्या हुआ, भाषा ही यहाँ पर मनुष्य का सहकारी है। भाषा से मिलकर ही मनुष्य ने काम किया है। कौन सा काम किया है, तो ये जो सहकारिता बल है कहाँ से उसको मिली, भाषा से मिली। तो भाषा से मिला हुआ सहकारिता बल, सहकारी का अर्थ आपको पता हो गया, जब हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं तो उनको सब हमारे सहकारी कहा जाता है। उनसे जो हमें सहायता मिलता है हम उसको क्या बोलते हैं, सहकारिता बल कहते हैं। तो यहां पर मनुष्य को यह सहकारिता बल किससे प्राप्त हुआ, भाषा से प्राप्त हुआ। तो ये भाषा द्वारा पाई हुई सहकारिता बल पर ही मनुष्य दूसरे जानवरों को अपने वश में किया है, पंच महाभूतों को अपने वश में कर लिया है। भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। तो भाषा का और एक फायदा क्या है, आपके प्रश्न आएंगे, हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा कैसे होती है, भाषा के द्वारा होती है। इसके अलावा ये भी आता है कि भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है, ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। ये जो आप जब इसको अच्छी तरह से लाइन बाय लाइन पढ़ोगे तो आपको सारे छोटे छोटे सवाल के जवाब आपको आ जाएंगे। तो बच्चों हमने जो ये पहला पैराग्राफ हमने पढ़ा उसमें से आपको जो शब्द आए उस शब्द का अर्थ आपको याद करना है। तो इसमें से आपको प्रश्न भी आएंगे, भाषा के द्वारा मनुष्य किस प्रकार की उन्नति की है, भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है। तो हर एक जो आपका जो वाक्य है उस पर इसका उत्तर छिपा हुआ है, सिर्फ आपको उसको ढूंढना है और लिखना है। भाषा के द्वारा मनुष्य किस प्रकार की उन्नति की है, आपको पता है मनुष्य भाषा के द्वारा, जबकि दूसरे जानवर अपने पुराने स्थिति में ही बने हुए हैं, वहां पर मनुष्य उत्तर उत्तर उन्नति कर चला है।
भाषा द्वारा किसकी रक्षा होती है? भाषा द्वारा हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है। इसके अलावा इसमें से आपको शब्द मिले उन्नति, भाषा, फिर आपको भौतिक, सहकारिता, ज्ञान, अनुभव, जैसे शब्द आपको मिले हैं, आपको उसमें से क्या आएंगे, लिंग बताइए, वचन बदलिए, इनको लेके सार्थक वाक्य बनाइए। वैसे ही आपको ज्ञान, उन्नति, ये सारे शब्द के आपको पर्यायवाची विलोम शब्द भी आपके लिए प्रश्न परीक्षा में आएंगे। तो अगर आप इसके जो जो वाक्य है अगर आपको याद रखते हो तो आप आसानी से हर एक शब्द का लिंग भी बता सकते हैं। जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं कि उन्नति का लिंग क्या है। देखिए, जो हमारा दूसरा लाइन है, भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। इतनी उन्नति अर्थात यहाँ पर आप सोच के बताइए, उन्नति कौन सा लिंग है? उन्नति स्त्रीलिंग है, इसलिए तो ये इतनी उन्नति है। फिर आपको प्रश्न आएंगे कि रक्षा कौन सा लिंग है? होती है, रक्षा होती है, तो रक्षा स्त्रीलिंग है। वैसे ही आप क्या कर सकते हैं, इन सब सारे शब्द को याद कीजिए, उनको लेक सार्थक वाक्य बनाइए। जैसे मैंने आपको उन्नति को लेकर एक वाक्य बना के दिया है, तो आप इस विषय को आसानी से याद कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।